पीने के पानी और सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं किए जाने से नाराज पार्षदों ने परासिया नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कांग्रेस पार्षदों ने वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में नगरपालिका अध्यक्ष विनोद मालवी का विरोध जताया और कहा, जब से भाजपा के अध्यक्ष नगरपालिका में बैठे हैं तब से वार्डों में ना सफाई हो रही है ना पीने का पानी मिल रहा है। मैला साफ करने वाला टैंकर लगभग 4 माह से खराब पड़ा है, जिससे लोग परेशान होकर पार्षदों के पास आते हैं और पार्षद की भी सुनवाई नहीं होती है, जिससे नाराज कांग्रेस पार्षदों ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो नगर पालिका में धरना दिया जाएगा। आज समस्त कांग्रेसी पार्षदों ने माननीय एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से हमने जो शहर की समस्याएं हैं उसको लेकर माननीय तहसीलदार मैडम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ये बताया गया है कि शहर में जो सारी समस्याएं व्याप्त है उससे लोग परेशान हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे शहर में कई दिनों से गंदा पानी मिल रहा है और लगातार हम शिकायत करते आ रहे हैं, मगर स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। एक दूसरा ये कि आज भी हमारे वार्ड कम से कम 6 महीने हो गए हैं, एक मेला टैंकर हमारे नगर पालिका में खराब पड़ा हुआ है और वो आज तक नहीं सुधरा, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी है। ऐसी अनेकों समस्याएं वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं, साफ सफाई नहीं हो रही है, वार्डों में छोटे छोटे कामों के लिए हमारे पार्षद परेशान हो रहे हैं। इन सभी 11 बिंदुओं को लेकर आज माननीय एसडीएम महोदय के नाम से माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने मांग की गई, अगर 1 हफ्ते में ये स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हम समस्त कांग्रेसी पार्षद जनता को लेकर नगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर पालिका उठाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।